अमित शाह काहे ना बोल रहे हैं, तो गृह मंत्री बा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काहे ना बोल रही है, का बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। या सबसे बढ़िया हो कि नित्यानंद राय बात के बोल रहे हैं, अगर उधारी तरह से के उनके लेवे के होके तो देवे वाला पर निर्भर करे कितना दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तहरा हिसाब से वजन करके ना दी। कहीं ना कहीं चूंकि सदन भी चल रहा बा, विपक्ष काफी हमलावर बा, तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के निश्चित रूप से 6-5 में मन पड़ो है कि का होई का ना होई। विशेष रूप से तो ये तो बुझा रहा बा, लेकिन ये ऐसा देश नहीं के जहाँ से भारत के खूब बढ़िया व्यापारिक संबंध हो के और तरह के बात हो के या फिर या कुछ समस्या हो के लॉ एंड ऑर्डर के लोग भतीजवा रही हमने के बाहर समर्थन कर दिया का करिए खाली फिर पैदल जाए का नहीं। इस सारा बात के लेकर के एकदम उधेड़ नमस्कार प्रणाम गुड़ लगतनी एक बार फिर से रोरा सब के स्वागत बा खूटा पर रोरा सब के अपन कार्यक्रम हाँ खूटा। देखी बिहार में विधानसभा के सत्र शुरू हो गई बा और विधानसभा के सत्र शुरू होते हंगामा खूब होता, खूब हो हल्ला मचता। विशेष राज्य के दर्जा ना मिली बिहार के तय हो गई। जन पंकज चौधरी बाड़े केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बाड़े वो कह दिले कि बिहार वो लायक हलैया नहीं के ओकरा के विशेष राज्य के दर्जा देवल जा सके। लेकिन ये सब के बीच में नीतीश कुमार मुँह फुलैले बड़े कि काहे ना मिली ना दे बोलो तो हम भाग जाएँ खिसिया जाएँ छरियाल बड़े। अब आज के दिन जोन बा बजट सत्र के दिन बा देखे वाला बात ई बा कि आज के दिन नरेंद्र मोदी बिहार खातिर का देते रहें। खूटा पर ही तमाम विषय पर चर्चा हुई, बातचीत करे खातिर बाबा एक बार फिर जुड़ गई बनी। जान ली खूटा पर काची के खूंटा ठोकाता कि मोदी के झटका से खिसेले नीतीश दिए इस्तीफा, दिल्ली से पटना तक मीटिंग स्टार्ट, नीतीश इस्तीफा दिए हे पर चर्चा कर जाओ। नीतीश फेरू पलटे वाला बड़े हैं, मने कई लोग के मन में ही बाबा सवाल हुई कि यह दादा नीतीश के तो विशेष राज का दर्जा ना मिलल, अब नीतीश जई हैं बुझाता तेजस्वी के साथ जई हैं। बोल आदमी हेरा से अभिनंदन बा रत्नेश, तारा से हम दो सवाल पूछो तनी। सब बात तो बता देला है, पंकज चौधरी के नाम भी तो दे देला है। जी पंकज चौधरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। जी 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 वित्त गृह राज्य मंत्री केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है। जी जी तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हुए तो ये मामला जोन बा वो कहाँ से उठल बा? गृह मंत्री के या गृह राज्य मंत्री के बयान दिहल चाहत रहे, चूंकि मामला राज्य से जुड़ल बा, राज्य के विशेष अधिकार से जुड़ल बा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका के आगे काहे कल गेल है? अमित शाह काहे ना बोल रहे हैं, वो तो गृह मंत्री बा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काहे ना बोल रही है, का बोल चाहत रहे? बिल्कुल बिल्कुल चाहत रहे। या सबसे बढ़िया हो कि नित्यानंद राय बात के बोलते हैं, तो गृह राज्य मंत्री बना बिहार से बोल लो बना, लेकिन इनका है ना बोल रहे यही लोग बोल दिल तो नीतीश यही लग रहे इस्तीफा लिख दिए हैं। अब एक पीछे के तू क्रोनोलॉजी समझो, सबसे बड़ बात बा कि यह मामला के जनक तरीका से हमने के समझौता यार और हमने के बुझाते कि अरे तेरी कब तल पाक गई बा टपकी हाथ छान के बैठल में, या फिर बिहार के लोग के साथ साथ वो राजनीतिक दल के लोग छान के बैठल बा कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा हो मिली हो मिली साफ ओकरा से इनकार हो गई और पैकेज मिली। जी अगर उधारी तरह से के उनके लेवे के होके तो देवे वाला पर निर्भर करे कि कितना दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तहरा हिसाब से वजन करके ना दी, जब ओकरा से के पैंचा मांगे गई उधारी मांगे गई तो जितना रही उतना तरह के दी। जी बिल्कुल, अब यह मामला अटक गई बा, मामला ये अटकल बा कि नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के समर्थन कर उन्होंने जब कहले के बिना शर्त समर्थन करते हैं कोनो दिक्कत नहीं क्या हमारा, सीधे तौर पे वो एक बात इशारा इशारा में कह दे रहे कि आप तो सब जानते ही ना है, अब तो सब बिहार में जो जो चाहिए वो देवे ना कीजिएगा आप, यानी नीतीश कुमार का वो इशारा रहे कि हम जो चिट्ठी भेजने रही हाँ ओकरा के बढ़िया से पढ़ लिख करके हमरा के सूचित कर दें कि का देव का ना देव। अभी तक ले बुझाता कि वो चिट्ठी के जवाब ना मिल, बदले में चिट्ठी कई लोग से पढ़वावल जाता, तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के लगे विशेषाधिकार बा कि वो फैसला ले सके। लेकिन जी अब यह सबसे बड़का बात बा कि नरेंद्र मोदी के तो नीतीश कुमार पहले झटका दिले कस बेचारे कहिए दिले नु कि पहले हम थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे लेकिन अब आप ही के साथ रहेंगे,
अब अगर नरेंद्र मोदी वो बात के बदला इनका संदेश इनका के झटका देश तो कैसे उचित नहीं खेलू। अब ऐसा साथे सरकार चलावे के बाद बिल्कुल अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार जो विशेष राज्य के दर्जा ओकरा के ले करके 2025 के पैतरवी पार कर चाहत रहे तो अकेले तो पार कर नहीं कर चाहत, संगे संगे उनका और 4-5 गो दल बा, भाजपा भी बा, तो एकरा में नीतीश कुमार अगर कुछ डिमांड करते रहे तो एक पूरा कर चाहिए न। लेकिन जैसा बुझा रहा बा कि पहले ही पंकज चौधरी के भेज करके और नीतीश कुमार के जौन अरमान रहे ओकरा पर पानी फेर गए। नीतीश कुमार मीटिंग शुरू कर दिले बड़े बतैल तू ही काले बतौला कि रात भर मीटिंग चल रहा, वो मीटिंग में का हुई का ना हुई, दिल्ली से पटना तक ले हॉट टॉक पर बात हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बजट सत्र बाज बिल्कुल इस आज जैसे हमने बात करते हैं या तो 2 घंटा के बाद 3 घंटा के बाद लाल डायरी लेके पहुंची है, लाल बैग लेके निर्मला सीतारमण पहुंची है और पहुंच करके देश के 24-25 के जो बजट बा ओकरा के पेश करी है जी। एकरा साथ साथ अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चूंकि सदन भी चल रहा बा, विपक्ष काफी हमलावर बा, तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के निश्चित रूप से 6-5 में मन पड़ो है कि का हुई का ना हुई। विशेष राज्य के दर्जा के जो बात रहे ओकरा के लेकर के हम कई हाली कह चुकनी रत्नेश, एक हाली फिर से हम बता दी जी कि विशेष राज्य के दर्जा के कुछ नॉर्म्स बा, कुछ नियम बा जौना के आधार पर विशेष राज्य के दर्जा दिखल जा सकेला। ओकरा में तहरा राज्य के विशेष राज्य दर्जा अगर पावे के बा तो तहरा पहाड़ी इलाका जौन बा वो अधिक होके के चाहिए, वो तो झारखंड अलग हो गईला के बाद से तो उससे वंचित हो गई। दुर्गम क्षेत्र होके के चाहिए, जैसे पहले ना वो दशरथ मांझी पहाड़ वहाड़ काट के रास्ता बनावत रह, वैसा दुर्गम रास्ता होके के चाहिए। तो ओजा तरह का जैसे उत्तराखंड वगैरह में तो देख लो बिल्कुल बिल्कुल तो या विशेष राज्य के दर्जा बा, पूरा देखबा कि डेवलपमेंट हो रहा बा, पहाड़ काट के रास्ता बनावल जा रहा बा, पर्यटन क्षेत्र के विकास हो रहा बुढ़े, ओजा वैसा जगह में विशेष राज्य का दर्जा हो सकेला। कम आबादी वाला राज्य हो गए इहो बिहार में नहीं कि आबादी के तो मार ढेरी लागल बा, एक एक घर में 20-20 गो आदमी रह, अब मार पलायन करे खातिर देश भर में पलायन पर हमने के गर्दा उड़ा दिल मानी जा बिहार तो ये सब चीज़ तो हमें लगे बाना। अच्छा जनजातीय समूह अधिक होके चाहिए, इहो हमने के नहीं के कहाँ जनजातीय समूह हमने के बा, थोड़ बहुत जो बड़ो बुढ़े तो झारखंड से सटल बा तो उन्हीं के कहानी खत्म। जातीय जनगणना में यही कदम नीतीश कर जातीय जनगणना बिल्कुल। एकरा अलावा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटल होके चाहिए, सीमा सटल होके चाहिए, तो ये तो बुझाता जैसे कि नेपाल बगल में बढ़ू है, बांग्लादेश बा, भूटान बा, ये तो बुझा रहा बा। लेकिन ये ऐसा देश नहीं खे जहाँ से भारत के खूब बढ़िया व्यापारिक संबंध होके या और तरह के बात होके या फिर या कुछ समस्या होके लॉ एंड ऑर्डर के, ऐसा तो कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आओ, तभी ना ओजा विशेष पैकेज दिया, ये विशेष राज्य का दर्जा दिया कि ओजा केंद्रीय सहयोग मिलत रहे। इस सारा बात के लेकर के ये नॉर्म्स के बिहार पूरा नहीं कर, इनमें से कुछ हद तक कुछ बात कुछ लेकिन पूरा नहीं कर 100% नहीं ना, 6-7 को जो मुद्दा बात पूरा नहीं कर, तो ऐसा स्थिति में विशेष राज्य के दर्जा तो मिली ना, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जो डिमांड रहे ओकरा के नरेंद्र मोदी और उनकर सरकार झटका दे देलस। अब एकरा बाद नीतीश कुमार का करिए वो कहानी सुन लो बो तू इस्तीफा सीधे इस्तीफे पर चल गई पहले एगो कहानी सुनले बा नो भोजपुरी में कह जाला कि लजाई लड़का ढोनी टोला समझला। नीतीश कुमार तो पेट सुराव तरे कब से, तो ऐसा स्थिति में एक बात तो पक्का समझ लो, पेट निखन सुराव पेट सुरा सुरा के ढोनी टोटो के ये बात में कर तरह की अब का करे के चाहिए, अब कौन उड़ान मारा जाए कि 2025 तक ले रास्ता क्लियर हो जाओ, का करी सरकारें भंग कर दी का कि विधान है सभा करा लिए के बाद तेजस्वी अब कहत रहे बेचारा कि रुवा लोग भतीजवा कहत रहे रुवा रही हमने के बाहर समर्थन कर दिया का करिए खाली फिर पैदल जाई का नहीं। इस सारा बात के लेकर के एकदम उधेड़ बुन चलत हुई और नीतीश कुमार के सबसे बड़का विषय जान रखा बा सुने ले लोग के लेकिन करे ले अपना मर्जी के आ जना करी फैसला ले भेले कोनो बात के तो अगर सोच लो कि हे हाथ से कलम ले ले बड़े तहे हाथ के पता ना होई कि का कर लिखी है। नीतीश कुमार अभी जो वर्तमान स्थिति चल रहा है बीच में सुन लेना कि मनीष वर्मा के बना करके ना सुन लो एक से एक बड़का बड़का ढिंगड़ार ढिंगड़ार जो लोग बा कहत रहे कि
मनीष वर्मा के उप मुख्यमंत्री बना करके, अरे उप मुख्यमंत्री छोड़े ना, मुख्यमंत्री बनाए के खातिर बात होता कि मुख्यमंत्री बना दिए हैं नीतीश कुमार। देखो ये सारा चीज कहीं ना कहीं बात के तरफ इशारा कर, नीतीश कुमार देखो अपना बेटा के जब नाम कुछ दे सकले तो और केकरा के दिए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी केहू के ना दे सकले, एक खाली कहल ना कि खाली हम उनसे गलती हो गया था, अपना गाड़ियों दिले रह जितना माझी वाला मैटर पर हम गधा रहने जनता के हां जन जन के जितना माझी ओ दिन उठके देले हां हां सेकंड मोरी हल उठके देला कि हमरा के कहत रहन कि तोरा से पार्टी ना चली तो होई ना होई तो हो ना होई पैसा तोरा लेके हवा देखा तोरा से बढ़िया जिया तनी खाते तोर न तो सांसदो बनी आज ये सारा बात के लेकर के नीतीश कुमार अब गलती तो ना करिए कि केहू के दी है, अगर देवही के रही तो सम्राट चौधरी के नाम हटा के विजय चौधरी के, विजय सिन्हा के, विजय सिन्हा के नाम हटा के सम्राट चौधरी के, ये लोग के रिप्लेस कर देले रहते हैं, पेच पेच ओ में रहते हैं, इनकर लटाई जनमान वगैरह में तागा बहुत बा, लोग समझते कि सम्राट चौधरी के पगड़ियों उतरवा दे ला, नामो हटवा दे ला, विजय सिन्हा के बड़ा प्यार मोहब्बत देता रहे, अब विजय सिन्हा के प्यार मोहब्बत दिए ना, विजय सिन्हा के जब विधानसभा के अध्यक्ष रहन तो नगरी का दुर्गति कइले रहन के नहीं खेचना ज्यादा ऑन कैमरा न बा ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, हां छे व्याकुल वाला बात नहीं कह रहन सम्राट चौधरी कह रहले आ नीतीश कुमार का कइले, नीतीश कुमार तो जोन कइले रहन तो सब को जानता, आप जितन राम माझी कह रहन कि अरे इसको तो हम बना दिए ना, अरे हम गधा रानी जन तरह के बना दे नहीं बताओ, इसको कुछ दे दो तुम लोग तो मिल गई वो तो सब हो गई, लेकिन अब एरिया जो सबसे बड़ा सवाल बा कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार करिए का, 2025 के चुनाव में ये जो विशेष राज्य के दर्जा रहा ये नीतीश कुमार के मास्टर कार्ड रहा, ट्रंप कार्ड रहा, एकरा से वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एग्रेसिव होते और बिहार की जनता के समझावे में बहुत कुछ। अच्छा एमए बाबा हमरा बुझाते कि नीतीश सब लागत है कि दबाव दिए, अगर विशेष राज्य के दर्जा तो ना मिलल लेकिन एगो दबाव विधानसभा पर खातिर हमरा लगता बीजेपी पर पड़ गई बा, जितना मंगी हो उतना सीट देवे के पड़ी, ये सब होखे वाला नहीं है। काले हमरा बातचीत होत रहे बहुत लोग से बातचीत भइल ओकरा में यह बात पता चलल कि नीतीश कुमार वो अवस्था में नहीं खन, अगर नीतीश कुमार जरा भी स्क्रू टाइट करे कोशिश करिए नु तो पेचकसवा लेके भाग जिया सो ना नु जरा पेचकसवा से टाइट करी है वो पेचकसवा लेके भाग जिया सो, अब टाइट करत रह तू हाथ से कितना टाइट करो फुल टाइट होइबे ना करी, ये स्थिति नीतीश कुमार समझ गेल माने कि अब जो वर्तमान परिस्थिति मलबा ओकरा में सब केहू हमरा के समर्थन तो देखावल, लेकिन अब अगर आवश्यकता महसूस हुई तो ना ललन सिंह अपन रही हैं, ना कौशलेंद्र कुमार अपन रही हैं, आ ना बाकी के लोग अपन रही, यानी कि उनका 12 गो जो सांसद बाड़े उनका पर घात हो जाए और पार्टी में विद्रोह हो जाए, एगो तो ये बात बा। दूसरका चीज कि अगर उनका लगे सांसद नहीं खन और पाला बदल देता जैसे कि पहले हो भी चुकल बा, तो पाला बदल दें तो नीतीश कुमार के लगे रही का सीधे तौर पे नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाए और नीतीश कुमार के पूछ महागठबंधन में भी ना रही, नीतीश कुमार के पूछ अगर महागठबंधन में रही तो 2024 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव ना लड़ रही। अब नीतीश कुमार के लगे दुए तीन गो बात नजर आ रहा, पहला कि हाथ गोड़ बांध के आ कुर्सी पर चिपकर रह से बैठे कहस कि तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, महंत वहंत के देखले बड़ा कभी तो महंत जी वो अपना कुर्सी गद्दी पर खड़ा उतर ना उतरे हैं, गद्दी पर बैठा रहले ओजिया से इशारा कर ले तुम उसको देखो तुम उसको देखो तुम उसको हाथ में माइक दो तुम उसको हाथ में माइक दो, ओजिया से बैठ के सारा सवाल ओसे ही नीतीश कुमार के अपना गद्दी पर बैठा रहे चाहिए, अगर एने उन्हें भैले तो कहीं ऐसा ना होगा कि साचो मनीष वर्मा जी के बुलैले बड़न तो आरसीपी के खेल देख चुकल बड़े, कहीं आस्ते से सरकार के बैठ मत जा या झूठों के बैठ जी हैं तो खेल गड़बड़ा जाए, खेल गड़बड़ा जाए तो ये सारा चीज नीतीश कुमार समझता और नीतीश कुमार के लगे जो इस्तीफा के बात चल रहा बा बाकी बात चल रहा बा ये सारा बात पूरा कल्पना बा, नीतीश कुमार कहीं निकल जात और नीतीश कुमार के अब जाए के कोनो संभावना भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, हमनिये कहीं जाने और लगातार कहत रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल दिए हैं, अब की ना वो नीतीश कुमार के बस में रहे तब नीतीश कुमार नीतीश कुमार रहन, आज नीतीश कुमार नीति कुमार हो गए बड़े और नीति कुमार के नीति ये कह रहा बा कि अब उनका 2025 के चुनाव तक भाजपा के बिना कोई रास्ता नहीं है, अगर वो भाजपा के साथ रहता रहे अगर एनडीए में रहता रहे तो उनका 12 गो सांसद जना के लेकर के झंडा बुलंद रखिए हमारा 12 गो सांसद बा सेफ बा, एकरा अलावे 2025 के चुनाव में भी जे कुछ जितने सीट मिली उस सीट पर अधिकांश जीते के संभावना बढ़ी टक्कर हुई
जीत हार के कर कितना हुई वो अलग बात बा, लेकिन 2025 के चुनाव तक नीतीश कुमार के लगे कोई भी विकल्प नहीं के। और फैसला नीतीश कुमार ना बल्कि भारतीय जनता पार्टी ली ही। और अगर भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार हम कहते नहीं कि आरएसएस के अगर कहीं हाथ में आ गई तो परिस्थिति बदली और नीतीश कुमार के भी जौना अनुसार बढ़े, तू तो कभी देख ले बड़ा न्याय होला तो न्याय होला तो देख ले कि न्याय के जो भाई तरजुई बा बराबर रहेला, ओकरा कभी झुकल ना देखब। एकरा मतलब ये होला कि आरएसएस जोन बा तहार जोन आकलन बा तहार में जो क्षमता बा ओकरा हिसाब से तरह के अपना साथ रखी या फिर छोड़ी। आरएसएस ऐसा ना करे कि तरह के निकाल के बाहर फेंक दी, ये राजनीतिक लोग करेला, राजनीतिक दल के लोग करेला। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर आरएसएस के हाथ में आ गई अगर भारतीय जनता पार्टी के कमान और अध्यक्ष बन गई तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के रिश्ता और थोड़ा सा आगे तक बढ़ सकेला। वरना जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में फैसला भारतीय जनता पार्टी ली चाहे वो बिहार के बारे में होके या फिर केंद्र के बारे में। चलिए देखिए नीतीश के इस्तीफा पर चर्चा होत रहल कि नीतीश इस्तीफा दिए कि ना, लेकिन आज दिन बड़ा खास बा भाई। रोलो टीवी मोबाइल खोल के देखत रहें और खूटा के भी देखी, चर्चा लगातार खूटा पर होत रही। फिलहाल आज खातिर इतना ही, देखत रही अपन चैनल, जितना हो सके प्यार दी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, हित नात सब क्योंकि लगे पहुंचा दी चैनल के, देखत रही खूटा। बहुत बहुत धन्यवाद।